तो दोस्तों आज है मेरे पास Redmi Note 10 Pro और Samsung Galaxy M32 5G स्पीड टेस्ट के लिए। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो M32 में आपको मिलता है Dimensity 720 प्रोसेसर, वहीं Redmi Note 10 Pro में आपको मिलता है Snapdragon का 720G प्रोसेसर। और यहां पर दोनों ही डिवाइसेस के मैंने 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन यूज की है स्पीड टेस्ट के लिए। स्पीड टेस्ट के लिए मैं दोनों ही डिवाइसेस पर रन करूंगा N22 बेंचमार्क का एप्लीकेशन, और उसके बाद जो स्कोर्स मिलेंगे उनके आधार पर ये जज करेंगे कि कौन सा डिवाइस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं शुरू। तो दोस्तों टेस्ट हो चुका है फिनिश स्कोर से आपकी आंखों के सामने। अब यहां पर अगर टोटल स्कोर की बात करें तो Redmi Note 10 Pro का स्कोर है 243971, वहीं M32 5G का स्कोर है 232056। यानी कि अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो उस कंडीशन में थोड़ा सा Redmi Note 10 Pro बेहतर है, या फिर कहें लगभग दोनों ही सेम है, क्योंकि इतने स्कोर से N22 बेंचमार्क टेस्ट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में दोनों ही सेम है। अब जरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं कि कॉमन यूज, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स यानी कि कॉमन यूज की। तो इस कंडीशन में Redmi Note 10 Pro का स्कोर है 74380, वहीं M32 5G का है 75281। यानी कि कॉमन यूज में N22 बेंचमार्क टेस्ट के मुताबिक दोनों ही एग्जैक्ट सेम है, यहाँ कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह है एक वीडियो जो दोनों ही डिवाइसेस के UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है। अब यहाँ पर अगर दोनों को देखें तो दोनों में ही माइनर लैग देखने को मिलता है स्क्रोलिंग में, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें तो वहाँ कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल इन स्कोर्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कॉमन यूज के लिए दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं, वहाँ कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इन दोनों ही डिवाइसेस में आपस में कंपेयर करें तो कोई भी डिवाइस एक दूसरे को बीट नहीं करता है, कॉमन यूज में दोनों ही लगभग एक जैसे हैं। अब बात करते हैं गेमिंग स्कोर्स यानी कि GPU स्कोर्स की। तो इस कंडीशन में Redmi Note 10 Pro ने अचीव किया है 77587, वहीं M32 5G का है 58053। यानी कि GPU के इन स्कोर्स के मुताबिक Redmi Note 10 Pro बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू M32 5G। लेकिन स्कोर्स को ज़रा डिटेल में देखें तो जो सबसे पहला वीडियो है रिफाइनरी वाला, उसके लिए Redmi Note 10 Pro का स्कोर है 32268, वहीं M32 5G का है 33262। यानी कि कोई भी डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलता, और ये है वो रिफाइनरी वाला वीडियो जो दोनों ही डिवाइसेस के GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है। इससे आप एक हाई ग्राफिक्स का गेम मान सकते हो, और यहाँ पर अगर दोनों में देखें तो दोनों में ही वीडियो काफ़ी स्मूथ तरीके से रन हो रहा है। हालांकि माइनर लैग आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस की बात करें तो वो यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। कह सकते हैं कि मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने दोनों ही डिवाइस पर बिना किसी लैग के प्ले कर सकते हो। हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो माइनर लैग के साथ आप वो भी प्ले कर सकते हो। अब ये जो GPU के इन स्कोर्स में डिफरेंस है वो है एक हाई एंड गेम के वीडियो की वजह से, जैसे कि ये जो वीडियो है इसे आप मान सकते हो हाई एंड का गेम। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये गेम या फिर ये वीडियो Note 10 Pro पर ज़्यादा स्मूथ रन हो रहा है एज़ कम्पेयर टू M32 5G। तो ये जो स्कोर्स का डिफरेंस है गेमिंग में या GPU वो इसी वीडियो की वजह से है। तो हाई एंड गेमिंग की बात करें तो उस कंडीशन में M32 पूरी तरह से पीछे हो जाता है, पूरी तरह से एकदम पस्त सा हो जाता है। तो उस कंडीशन में Redmi Note 10 Pro आपको M32 5G के कंपैरिजन में स्मूथ परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन अगर मीडियम ग्राफिक्स की बात करें या फिर हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो वहाँ दोनों ही लगभग सेम हैं। तो गेमिंग के मामले में Note 10 Pro ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो केवल हाई एंड गेमिंग में ही इशू देखने को मिलेंगे या फिर डिफरेंस देखने को मिलेंगे। मीडियम और हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की, यानी कि मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro का स्कोर है 46670, M32 5G का स्कोर है 60889। अब यहाँ पर M32 5G कम्प्लीटली Redmi Note 10 Pro को बीट करता है। अगर स्कोर्स को गौर से देखें, एक्सपेंड करके देखें, तो रैम स्कोर, इसके अलावा डिवाइस की रीड स्पीड एंड राइट स्पीड, हर कंडीशन में M32 5G Redmi Note 10 Pro पर भारी पड़ता है। तो मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में, इसके अलावा कॉपी पेस्ट और या फिर कहें रोम स्कोर्स में, M32 5G कम्प्लीटली Note 10 Pro से बेहतर है। तो जैसा कि टोटल आपको लगभग सेम मिलते हैं तो परफॉर्मेंस भी लगभग सेम है। CPU, GPU, मेमोरी स्कोर्स मैंने आराम से आपको एक्सप्लेन कर दी है कि कौन सा डिवाइस किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। कॉमन यूज़ में दोनों ही लगभग सेम है। गेमिंग भी आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स दोनों पर ही माइनर लैग के साथ प्ले कर सकते हो। मल्टीटास्किंग में M32 ज़्यादा बेहतर है, बट Redmi Note 10 Pro पर भी आप ठीक ठाक मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो अगर हार्डवेयर की वजह से आप कंफ्यूज हो Redmi Note 10 Pro और M32 5G में, तो यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही डिवाइसेस का हार्डवेयर लगभग सेम परफॉर्म करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इन दी। अगला वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।